मोम में क्या होता है और हाइड्रोजन, ठीक है। और ये जो मोम है इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, दो चीजें हैं, और बहुत सारे कार्बन मिले हुए एक दूसरे के साथ में, करीबन 30-31 कार्बन एक साथ मिले हुए, और इसमें कुछ 64 इतने सारे हाइड्रोजन, इतने सारे मिलकर के एक साथ जमा है, लेकिन बहुत छोटे छोटे है ना, बहुत छोटे छोटे है ना। कल हमने बात की थी ना इसकी भी, हाँ इसकी भी कल हमने बात की थी कि इतनी दूर का अगर मैं चौक खींच दूँ तो इसमें जो कैल्शियम है, कार्बन है और तीन ऑक्सीजन है, हाँ इतने एक पर 22 बार जीरो लगाओगे उतने सारे इतने दूर में अट जाते हैं, और केवल अट नहीं जाते हैं, उनको बड़े आराम से, बहुत आराम से रहते हैं वो, ऐसा नहीं कि वो इतनी सी जगह में इतने सारे को भरना पड़ रहा है, ऐसा नहीं, बहुत आराम से रहते हैं, बहुत जगह उनके पास खाली होती है, घूमने फिरने के लिए भी होती है। तो ये इतने सारे दिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये सब मिल करके फिर बहुत छोटे से जगह के अंदर में आ जाते हैं वो। तो ऐसा ये मोम होता है, और जलता है तो क्या होता है, जलने का मतलब क्या होता है, हवा में से इसको ऑक्सीजन लेना रहता है, ऑक्सीजन के साथ मिल करके ये जब ये जलता है तो गर्मी पैदा करता है। पहले हमें थोड़ी सी गर्मी देनी पड़ती है, कैसे देते हैं हम थोड़ी सी गर्मी, और उसके बाद फिर वो गर्मी देता है हमें, वो गर्मी खुद देता है। तो जब ये जलता है, ये रिएक्शन होता है, तो क्या बनता है, क्या बनता है, क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और पानी बनता है। इसमें कौन है कार्बन डाइऑक्साइड, कौन है पानी, हाँ। तो क्या हुआ देखो, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन जो आपस में जुड़ जुड़ करके मिल करके बैठे हुए थे, इस ऑक्सीजन ने आके क्या किया, अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया। थोड़ा ऑक्सीजन इसके साथ जा मिला, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, और थोड़ा ऑक्सीजन इसके साथ जा मिला, पानी बना दिया, ठीक। अगर भरपूर ऑक्सीजन मिलती है, भरपूर ऑक्सीजन मिलती है तो ये काम होता है, ठीक। और अगर भरपूर ऑक्सीजन नहीं है, थोड़ी सी ऑक्सीजन है, तो वो थोड़ी सी ऑक्सीजन कार्बन को मिलेगी कि हाइड्रोजन को मिलेगी, अब झगड़ा हो रहा है। पूरी ऑक्सीजन है तो कोई बात नहीं है, सब ले लो, लेकिन अगर थोड़ी ही सी ऑक्सीजन है, कार्बन को भी चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, हाइड्रोजन को भी चाहिए क्या बनाना है, पानी बनाना है, तो क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन में लड़ाई होगी। हाँ, अब ऑक्सीजन का जिसको, ऑक्सीजन को जिससे ज़्यादा मन लगेगा ऑक्सीजन उसके पास जाएगा, ठीक ना। तो ऑक्सीजन को ज़्यादा मन लगता है हाइड्रोजन के साथ, अब चला लो, हाँ ऑक्सीजन को ज़्यादा मन लगता है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है, अगर उसको चॉइस करनी हो कि मैं कार्बन के पास जाऊं कि मैं हाइड्रोजन के पास जाऊं, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ, क्या करता है, पसंद करता है, ना। तो शुरू में जब थोड़ा सा वहाँ मोम का वेपर जहाँ बनता है बत्ती के पास में, वहाँ पर उसको भरपूर ऑक्सीजन मिलता है, भरपूर हवा मिलती है, भरपूर हवा मिलती है, क्योंकि अभी थोड़ा ही सा वो मोम का वेपर वहाँ पे बना है। तो वो कार्बन जो है उसको भी कहता है, ठीक है तुम कार्बन डाइऑक्साइड बना लो, तुम पानी बना लो, तो इसलिए वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है और पानी बन जाता है। लेकिन ऊपर में जो यहाँ से वेपर निकल निकल करके ऊपर पहुँच रही है, तो ऊपर में मोम का वेपर ज़्यादा जमा हो गया है, और हवा उसको मिल नहीं रही है उतनी, हवा उसको उतनी मिल नहीं रही है। तो ऑक्सीजन ने क्या किया, ऑक्सीजन ने किसके साथ चला गया, और क्या बच गया, वही था जो किसके, तुषार तुम्हारे उस पर गया था काला काला,
तुम्हारे पे गया था, अच्छा तुमने किया था। हाँ तो वो जो काला काला तुम्हारे रॉड पे आया था वो क्या आया था? पीली पीली लौ के अंदर में से आया था। और वो क्यों आया था? कार्बन अलग तो होता ही है, होना ही पड़ता है उसको, जब गर्म हो जाता है तो कार्बन और हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं, लेकिन वहाँ इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं थी कि कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड बना लेती, और सारी जितनी ऑक्सीजन थी उसने हाइड्रोजन के साथ मिल करके पानी बनाना पसंद किया और कार्बन अकेला बेचारा बच गया। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे कार्बन रहता है, जलता है वो, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड बनता है लेकिन पूरा नहीं बनता है, थोड़ा कार्बन फिर भी बचा रह जाता है। और जहाँ पे नीली फ्लेम होती है, जहाँ पे नीली फ्लेम होती है वहाँ पे पूरे कार्बन को भी ऑक्सीजन मिल जाता है, हाइड्रोजन को भी ऑक्सीजन मिल जाता है और कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। इसलिए तुम वहाँ पे अपनी छड़ी घुसाओगे, अपनी चम्मच घुसाओगे, अपना चौक घुसाओगे तो वहाँ पे कार्बन नहीं मिलेगा, उस कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड बन करके वो ठीक। अपने घर में गैस जलती है तो कैसी लौ होती है? नीली होती है कि ब्लू होती है? ना नीली होती है ना, अगर सब कुछ साफ सुथरा ठीक ठाक हो तो नीली होती है। तो उसके अंदर में ऐसी व्यवस्था की जाती है कि गैस जब आए साथ में उसको इतनी हवा भी मिले, भरपूर हवा मिले, ताकि पूरा का पूरा कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाए, कार्बन बचे नहीं उसके अंदर में। लेकिन अगर हमारे छेद में कुछ फंस जाता है, हमने चावल बनाते हैं और उसका उबाल आता है और पानी बाहर से गिर जाता है अगर, और गिर करके अगर कुछ उसमें छेद में फंस जाता है तो उस जगह से कैसी लौ निकलती है? पीली निकलती है, क्योंकि वहाँ से पूरी हवा उसको नहीं मिल रही है, कुछ फंस गया है वहाँ पे, तो वहाँ से कुछ फंस गया है तो पूरी हवा उसको मिल नहीं रही है, पूरी हवा नहीं मिल रही है तो फिर वो पूरा बन नहीं रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन नहीं रहा है, कार्बन बच रहा है, वो कार्बन अलग से अब जल रहा है, वो पीली लौ वहाँ पे बन रही है। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है आपको बताया हमने, आपने कार्बन डाइऑक्साइड देखा है, महसूस किया है? कैसे पता करते हैं कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है या किसी जगह में कार्बन डाइऑक्साइड है? कई सारे तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आग को बुझाता है, ऑक्सीजन क्या करता है आग को बढ़ाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाता है। तो इसलिए अगर कहीं कार्बन डाइऑक्साइड है और आप उसमें कुछ जलाने का कोशिश करोगे तो वो नहीं जलेगा, और जलता हुआ भी रखोगे तो वो बुझ जाएगा। दिखाओगे क्या कार्बन डाइऑक्साइड? एक पहले कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं हम लोग पहले, है ना? क्या है इनके हाथ में? इन्होंने कागज फेंक दिया, बच्चे सब जानते स्प्राइट की है। ओके, स्प्राइट की बोतल है और इसको हम करेंगे क्या, जिसका मुंडी काट दिया गया। ठीक है, इसको हम लोग कितना 50 ml हम क्या करेंगे, पानी डालेंगे। इसके बाद आपने बोला कि इसमें हम क्या डालें, इनो। तो हम एक सूखा चम्मच लेंगे और एक चम्मच क्या करेंगे, डाल दे, क्या होगा? खत बनेगा, ओके, झाग बनेगा। क्या दिखाई देगा? ये बुलबुले क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। कैसे पता? कैसे पता कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है?
अंदर गैस बन गई, दिखी? कहाँ दिखी? अच्छा आप लोग को गैस दिख रही है? भैया दीदी बोल रहे नहीं दिख रही, आप बोल रहे हो दिख रही है। अच्छा हमें बुखार होता है, हमें दिखता है क्या? नहीं। क्या करते हैं उसके लिए? नापते हैं ना, हमारे पास भी थर्मामीटर है। अरे है ना, और उसके अंदर वो मरकरी भरी होती है ना, हमारे अंदर मोम पड़ा हुआ है, मोमबत्ती है। ठीक है, इस मोमबत्ती को क्या करेंगे हम अभी? और सर ने भी क्या बताया था कि इसको हम क्या करेंगे? देखना क्या हो रहा है, कहाँ बंद हुई? अच्छा बंद हो गई? क्यों, तुम्हारा गैस नहीं बनी है? अच्छा नीचे ले जानी है, अभी तो पूरी तरीके नीचे भी नहीं गई। अच्छा इस ग्लास के अंदर ले जाए तो क्या होगा? नहीं बुझ रही है, इसके अंदर ले जा रहे तो हाँ कन्वर्ट करते करते हैं। अच्छा इसके अंदर गैस दिख रही है भी आपको? नहीं। इस ग्लास के अंदर डाल दे, दिखाई देगी? नहीं। माइक्रो कार्बोनेट है और साइट्रिक एसिड। अच्छा चलो देखो डाल रहे हैं, पानी नहीं डालना भाई। दिख रही है गैस जा रही है? नहीं। अरे भाई जा रही है, ध्यान से देखो। अरे गया, खत्म हो गई गैस, ग्लास भर गया, ग्लास भर गया। भर गया, चलो टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना? देखो इसको देखें, इसके अंदर है गैस है? है? गैस बाहर निकल गई। तो कहाँ गई? कहाँ गई? तो ग्लास में भर गई ना? भर गई ना? अभी आप बोले थे गई नहीं, दिखी नहीं। देखो हम लोग CO2 को ना इस बर्तन से उस बर्तन में क्या कर सकते हैं? जैसे जैसे पानी उड़ेलते हैं बोतल से, पानी में ग्लास में पानी डालते हैं ना पीने के लिए, वैसे ही भैया ने क्या किया, बोतल से कार्बन डाइऑक्साइड को धीरे से उसके अंदर में डाल दिया। क्यों चली गई उधर? उसमें तो हवा थी ना गिलास में, पहले पहले तो हवा थी। और ये क्या हुआ, जब हम पानी पीते हैं तो क्या करते हैं, इसमें हवा रहती है गिलास में, लेकिन हम पानी डालते हैं तो उस हवा का क्या होता है? हम पानी डालते हैं तो हवा का क्या होता है जो गिलास में पहले से थी? वो पानी भारी होता है ना, वो पानी हवा को कहता है भागो मुझे आना है, तो नीचे नीचे जाना चाहिए, जो भारी होता है वो नीचे जाना चाहता है, तो पानी जो है जो नीचे गिरता है उसके अंदर में और हवा उसकी ऊपर चली जाती है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड ने वही काम किया है, कार्बन डाइऑक्साइड ने वही काम किया है, बॉटल में थी, बॉटल से हमने धीरे से ऐसे टेढ़ा कर दिया, बॉटल को टेढ़ा कर दिया, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल निकल के गिलास में आई और चली गई नीचे, और जो हवा थी उसको भगा दिया वहाँ से। हाँ हाँ, इस बोतल में पानी रखते ना हम, देखो इस जग में पानी रखा है इसमें पानी है? हाँ। अच्छा हाँ कुछ है, अब ये ऊपर क्यों नहीं भाग रहा है पानी? भारी है वो, भारी है ना, इसलिए ऊपर नहीं भाग रहा है। किससे भारी है? हवा से भारी है, बाहर में हवा है उससे वो भारी है, इसलिए वो ऊपर नहीं भाग रहा है। मेरी कार्बन डाइऑक्साइड जो इसमें थी वो भी ऊपर नहीं भाग रही थी, बॉटल में बनी हुई थी, जैसे वो पानी उस जग में बना हुआ है ऊपर नहीं भाग रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बनी थी
वो भी यहाँ बनी हुई थी ना, बहुत देर तक बार बार मोमबत्ती ले जाते थे, हर बार बुझ जाती थी, जब भी मोमबत्ती ले जाते थे हर बार बुझ जाती थी, उसमें बनी हुई थी, ऊपर नहीं भाग रही थी। क्यों नहीं भाग रही थी? क्योंकि भारी है, हवा से वो भारी है। जैसे पानी हवा से भारी है, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड भी हवा से भारी है। पानी हवा से बहुत भारी है, कार्बन डाइऑक्साइड उतनी भारी नहीं है, कम भारी है, लेकिन फिर भी हवा से भारी है, इसलिए इसमें बनी रही गई नहीं। ठीक। और जैसे भारी चीज़ को आप टेढ़ा कर दो तो नीचे की तरफ गिरती है, अगर उसको रास्ता मिल जाए, उसको रास्ता मिल जाए तो नीचे की तरफ गिरती है ना। पानी का गिलास पलट दें तो पानी कहाँ जाता है? पट 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 नीचे चला जाता है, क्योंकि वो भारी होता है। या टेढ़ा भी कर दे तो नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो भारी होता है। वैसे ही जब इन्होंने ऐसा करके और ऐसे टेढ़ा किया, ऐसे टेढ़ा किया, ऐसे टेढ़ा किया, तब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो भारी होने के कारण से वहाँ चली गई और उसमें जाके बैठ गई। लेकिन हाँ, बहुत देर तक छोड़ के रखोगे, बहुत देर तक छोड़ के रखोगे तो उतनी भी ज़्यादा भारी नहीं होती है जितना पानी भारी होता है, तो थोड़ी 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 बाहर वाली हवा आ करके उसको पकड़ पकड़ के थोड़ी थोड़ी ले जाती है। तो बहुत देर तक छोड़ दोगे तो फिर वो उसमें से थोड़ी देर के बाद गायब भी हो जाएगी, बहुत देर के बाद ख़त्म भी हो जाएगी। ठीक। चलो, अच्छा सुनो, हमें तुम लोग का एक सहायता चाहिए। कहाँ है तुम्हारा वो मोमबत्ती जलाने वाला, कार्बन डाइऑक्साइड पहचानने वाला यंत्र? हाँ, देखो भैया ने ये यंत्र बनाया है ना, और इससे क्या करते हैं हम लोग, पता करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं है। इसमें डाला, गिलास में डाला, मोमबत्ती जलती रही तो कहा कि नहीं 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 नहीं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, बहुत कम है, हवा में जितनी जरा सी होती है। और बॉटल में डाला, तुरंत बुझ गई, तो हमने कहा कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये किस काम के लिए बनाया, क्या करने के लिए बनाया? जानने के लिए। अब ये इतना बड़ा जो बोलना पड़ा ना, कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं वो जानने के लिए उपकरण, तो हमें इसके लिए एक छोटा सा नाम चाहिए। हाँ, अब इसका नाम पहले से है नहीं, क्योंकि ये भैया नहीं बनाया है, पहले से किसी ने बना के रखा हुआ नहीं था, तो किसी ने इसका नाम नहीं रखा है। तो आप लोग हमें इसका नाम बताओ, है ना, नाम सजेस्ट कर, सुझाव कर, इसका नामकरण करना है, नामकरण संस्कार करना है इसका, कि इसको हम लोग क्या बोले, इसको हम लोग क्या नाम, छोटा सा नाम होना चाहिए, क्या नाम दे? CO2 यंत्र। अच्छा चलो, और बताओ। CO2 जांचक, बहुत अच्छा। और बताओ कोई, जिसका नाम भैया को पसंद आएगा, रंजीत भैया को, उसके लिए तालियां बजवाएंगे भैया। एक आया CO2 यंत्र, एक आया CO2 जांचक। हाँ, और किसी को बताना है क्या कहें इसको? CO2 मीटर। अच्छा, तीसरा नाम आया CO2 मीटर। हाँ, CO2 क्या क्या बोले इसको, क्या नाम दे? CO2 टेस्टर, CO2 टेस्टर। हाँ, ओके, CO2 टेस्टर, CO2 जांचक, CO2 टेस्टर। चलो, फिर से और भी कुछ ध्यान पे आएगा तो बताना, कल इसका नाम फाइनली रख दिया जाएगा। अच्छा, अब एक दूसरी तरह से भी भैया जांच करने वाले हैं। भैया ने एक इस जग में, जिसको मैं कह रहा था पानी रखा है, वो पानी तो रखा ही है, लेकिन उस पानी में भैया ने कल एक थोड़ा चूना मिला दिया था। चूना होता है ना, जो पान में लगाते हैं, चूना पान में जो चूना लगाते हैं ना, कत्था चूना लगाते हैं, वही वाला चूना लेकर के और इस पानी में घोल दिया था। ठीक। अब आप जरा आओ, उठो 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 उठो, जूली, क्या नाम है, दी प्रीति। हाँ प्रीति, देखो कैसा दिख रहा है ऊपर से, कैसा दिख रहा है बताओ, सबको बताओ। ये जो पानी है उसमें एक परत दिख रही है, वाइट वाइट, वाइट वाइट परत दिख रही है ना, वाइट वाइट परत दिख रही है। इस वाइट वाइट परत के नीचे जो पानी है वो तुम्हें दिखाई पड़ता है क्या? देखो तो, परत हमने थोड़ी सी हटा दी है, पानी दिख रहा है, साफ है कि गंदा गंदा है परत के नीचे? अभी पता नहीं चल रहा है। हाँ, ठीक है, बैठो।
रंजित भैया आप थोड़ा सा नीचे से स्क्रीन से चाहिए तो पानी खींच करके और एक शीशे में डाल दीजिए, तो थोड़ा देखो उसके अंदर से परत के अंदर से घुसा करके हमने वो पानी इसके अंदर में लाया है, शीशी के इसके अंदर में। कैसा दिख रहा है? साफ, साफ दिख रहा है ना, बिल्कुल पानी ही जैसा दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो ये जो ऐसा पानी जैसा जो दिखता है, चूना घोल दो पानी के अंदर में और बहुत देर तक छोड़ दो, 6-8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे छोड़ दो, तो ऊपर में आपको एक परत दिखेगी सफ़ेद सफ़ेद, और नीचे में आपको चूना दिख रहा है जग के अंदर में, नीचे में बैठा हुआ सफ़ेद सफ़ेद, वो चूना जो है वो यहाँ पे आ जाता है, ये चूना आ जाता है, ऊपर में एक गंदी गंदी सी सफ़ेद सफ़ेद सी परत आ जाती है, लेकिन बीच का जो पानी रहता है वो एकदम साफ रहता है, और उसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं उसको, हम लोग कहते हैं चूने का पानी। क्या? चूना पानी। चूना जल ऐसा भी कहते हैं और लाइम वाटर कहते हैं इसको। वो वाला खत्म कर दिया ना हमने, गिलास वाला कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ बना दो। ये देखो चूने का पानी हमने इसमें डाल दिया, कैसा दिख रहा है? एकदम बढ़िया साफ दिख रहा है, चूना तो नहीं है अंदर? नहीं है। देखो भैया फिर से कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। नहीं 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 नहीं, इस वो ये बहुत डाइल्यूट चूना है इसके अंदर, ये शुद्ध पानी नहीं है, जो हमने शुरू वाला पानी लेकर आए थे वो वाला पानी नहीं है, चूना इसमें घुला है, लेकिन इतना कम चूना घुला हुआ है और इतनी अच्छी तरह से घुला हुआ है कि उसके कण दिखाई नहीं पड़ रहे, और जो एक्स्ट्रा चूना था जो नहीं घुल पाया वो नीचे बैठ गया, जो एक्स्ट्रा चूना था जो नहीं घुल पाया वो नीचे बैठ गया, और जो बीच का पानी है उसमें जितना घुल सकता था उतना ही घुला हुआ है, लेकिन वो चूंकि पूरा घुला हुआ है इसलिए वो आर पार दिखाई पड़ रहा है, रोशनी एक पार से दूसरे पार जा रही है ना, जिसको हम लोग कहते हैं पारदर्शी रोशनी, जिसमें एक पार से दूसरे पार चली जाती है उसको कहते हैं पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, तो ऐसा है ऊपर में। लेकिन जो सबसे ऊपर का लेयर था, प्रीति ने बताया कि वो जो सबसे ऊपर जो परत है वो बड़ी सफ़ेद सफ़ेद परत वहाँ पर बनी हुई थी, वो ऐसा साफ नहीं था, ठीक है ना, वो ऐसा साफ नहीं था, वो भी अभी बताएंगे। बन गया तो आप इसमें से निकालो सिरिंज में ढक, उससे ये इसमें जाएगा नहीं ना, इसमें बबल करना है मुझे शीशा वो लगा के, छोटी वाली नहीं है सिरिंज। ये देखो वो भैया जो है तो सिरिंज में कार्बन डाइऑक्साइड को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। देखा था आपने यहाँ बनाया था अभी या हमसे बातें करने में रह गए? अब इसके अंदर में क्या होना चाहिए? CO2 होनी चाहिए ना, और इसको हम इसके अंदर में यहाँ पे डाल के और इसको CO2 को इसके अंदर डालने की कोशिश करते हैं। देखो देखो डाल रहे हैं ना, हम सुई लगा रहे हैं ना, इसको इंजेक्शन लगा रहे हैं ना, और ये कैसा हो गया? हाँ सफ़ेद सफ़ेद हो गया ना, हाँ जो पूरा पूरा पारदर्शी था, जो पूरा पारदर्शी था वो अब अपारदर्शी हो गया है ना, ट्रांसपेरेंट से ओपेक हो गया ये। तो कार्बन डाइऑक्साइड की ये भी एक बहुत ज़बरदस्त पहचान है, अगर आप चूना का पानी बना लीजिए
साफ, बिल्कुल बढ़िया। और उसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड डाल दीजिए तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, वो पानी क्या हो जाता है, धुंधला धुंधला हो जाता है, दूधिया हो जाता है। दूध सफ़ेद होता है ना, हाँ ये भी सफ़ेद है, ये घटिया वाला दूध है, ये बहुत ही घटिया वाला दूध है। तो ये तो चूना जल में जब जब कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं तो चूना जल क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है या सफ़ेद हो जाता है, राइट। तो अब ये घुल नहीं पा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ने जा करके इसमें ऐसी चीज़ें बना दी हैं जो इसमें घुल नहीं पा रही हैं। क्या बना दी हैं पता है, कार्बन डाइऑक्साइड ने चूने जल में जा करके क्या बना दिया है जो इसमें नहीं घुल रहा है, जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, ये चौक वाला पार्टिकल है। ये वही जो लिखा है ना कैल्शियम, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड ने जा करके जो उसके अंदर घुला हुआ चूना था, घुला हुआ जो चूना था, उस चूने के साथ मिल करके और ये CaCO3 बना दिया है। और चौक घुलती है पानी में, हाँ तो ये इसी तरह से ये भी घुल नहीं रहा है, और नहीं घुलने के कारण से ये सफ़ेद सफ़ेद बाहर निकल करके आ गया है। तो ये भी हमारे कार्बन डाइऑक्साइड जांचने का एक यंत्र है, एक पद्धति है, एक तरीका है। कार्बन डाइऑक्साइड आप इससे भी जांच सकते हो। सांस छोड़ते हैं तो क्या निकलती है, और बगल में कोई सोया रहे और तुम सांस छोड़ते रहो और उसको कार्बन डाइऑक्साइड इतनी सारी मिलती रहे तो उसका क्या होएगा? इतने सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लगातार सांस छोड़ रहे हैं और सांस ले रहे हैं। जब लेते हैं तो क्या लेते हैं हम लोग? तो ऑक्सीजन तो हम सब लेते चले जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते चले जा रहे हैं। तो एक घंटे के अंदर में इस कमरे में क्या हो जाना चाहिए, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है ना। तब और हम ऑक्सीजन कैसे लेते हैं? हमारी नाक में जो घुसती है वो तो हवा घुसती है ना, और हवा में तो नाइट्रोजन बहुत सारा है, 80% तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन तो उसका बहुत कम हिस्सा है। तो मेरी नाक में कोई ऐसा यंत्र लगा है क्या जो पहचान करके नाइट्रोजन को कहता है तू बाहर रह, और ऑक्सीजन को कहता है हाँ आजा 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 आजा। ऐसा कोई नाक में कुछ लगा है क्या आपने, यंत्र लगा है क्या? क्या होता है ऑक्सीजन, किसमें घुस सकती है? घुल सकती है कि घुस सकती है? घुल सकती है। हाँ तो वो तो जब ब्लड में पहुंचेगा तब का मामला है ना। अभी नाक में क्या हो रहा है, जब हम सांस खींच रहे हैं तो हम क्या खींच रहे हैं, हवा खींच रहे हैं ना कि ऑक्सीजन खींच रहे हैं? हवा खींच रहे हैं ना हम, और हवा में तो बहुत सारे नाइट्रोजन है, वो भी तो हम खींच रहे हैं ना, वो भी अंदर जा रही है, वो भी अंदर जा रही है, ऑक्सीजन भी अंदर जा रही है, हवा में जो और जलवाष्प है वो भी अंदर जा रहा है, हवा में जरा सी कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, जरा सी बहुत जरा सी, वो भी अंदर जा रही है। हम खाली ऑक्सीजन नहीं सांस से लेते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें, पूरी की पूरी हवा लेते हैं हम। अंदर में जा करके, शरीर के अंदर में जा करके जो हवा है, जैसे आप कह रहे हो ना नैतिक, जैसे आप कह रहे हो हवा में जो ऑक्सीजन है वो फिर हमारे खून के साथ में और हाँ उसके साथ में मिलता है, उसके साथ में यौगिक बनाता है, उसके साथ में प्रतिक्रिया करता है, और नाइट्रोजन जो रहता है वो कुछ नहीं करता है। अब हम बाहर निकालते समय उस नाइट्रोजन को अगर नहीं निकालें और हर बार वो नाइट्रोजन पीते रहें और निकाले नहीं, खाली कार्बन डाइऑक्साइड निकालें, तो मेरे पेट का फिर क्या होगा, नाइट्रोजन भरती जाएगी उसमें, भरती जाएगी उसमें, भरती जाएगी उसके अंदर में। तो जब हम सांस छोड़ते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो नाइट्रोजन जो हमने पी थी उस नाइट्रोजन को हम वापस भी निकालते हैं। हमारी छोड़ी हुई सांस में वो सारी नाइट्रोजन होती है जो हम अंदर लेते हैं
और फिर उसको बाहर निकालते हैं। वो नाइट्रोजन भी होती है हमारी सांस छोड़ने में, ठीक है। और ऑक्सीजन जितनी हम लेते हैं ना, एक सांस में हम जितनी ऑक्सीजन लेते हैं, वो सबकी सब अंदर इस्तेमाल नहीं होती है, वो सबकी सब अंदर इस्तेमाल नहीं हो जाती है, उसमें से थोड़ी सी इस्तेमाल होती है। नाइट्रोजन तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होती अंदर, वो तो पूरी की पूरी जैसे आपसे ली थी वैसे आपको वापस कर देते हैं हम वायुमंडल को। लेकिन जो ऑक्सीजन है वो भी पूरी की पूरी हम शरीर के अंदर में इस्तेमाल नहीं करते हैं, थोड़ी सी इस्तेमाल करते हैं। और जो बची हुई ऑक्सीजन है वो भी हम निकालते हैं, सांस छोड़ते हैं तो हम वो भी निकालते हैं। तो हम ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं, हम बहुत सारी ऑक्सीजन नहीं पीते हैं और हम बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ते हैं। और नाइट्रोजन तो हम बिल्कुल लेते हैं और तुरंत वापस कर देते हैं। तो हमारी छोड़ी हुई सांस में नाइट्रोजन होता है सबसे ज़्यादा, ऑक्सीजन भी होता है ढेर सारा, जितना हम लेते हैं उसका थोड़ा ही सा अंदर यूज़ होता है। जितना अंदर इस्तेमाल होता है उसके कारण से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जितना ऑक्सीजन शरीर के अंदर में हमने खून के साथ में प्रतिक्रिया करके ये करके वो करके वहाँ पर उसको इस्तेमाल कर लिया, उस समय में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड भी सांस के साथ बाहर निकलता है। तो जितना हम ले रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड उससे तो ज़्यादा ज़रूर निकाल रहे हैं, क्योंकि अंदर में हम बना रहे हैं, हम ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं, ऑक्सीजन को हम खर्च कर रहे हैं शरीर के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे बना रहे हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड हम सांस के साथ बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन उसके साथ में हम बहुत सारी नाइट्रोजन निकालते हैं और बहुत सारा ऑक्सीजन भी निकालते हैं, लेकिन फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड अच्छा ठीक ठाक निकलती है, राइट। तो ट्राई करो ज़रा, जितनी थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसे मेरा चूना जल दुधिया होता है क्या, इसमें से तो बड़ी अच्छी पूरी की पूरी कार्बन डाइऑक्साइड खींच ली थी, तो हमने देखा कि वो फट से वो चूना जल से काम उसने कर दिया। और हम जो हवा सांस के द्वारा छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी ज़्यादा होती है, हवा में जितनी है उससे थोड़ी ज़्यादा होती है, उतने से वो बनता है कि नहीं बनता है वो देखते हैं। अच्छा, तब तक ये बताओ, ये जो ऊपर में परत देखी थी ना वाइट वाइट, वो क्यों बनी थी? वो तो नीचे गया, वो देखो ये रहा, जो नहीं घुल पाया वो तो ये रहा, जो घुल गया वो तो इसके अंदर घुला हुआ है पानी, साफ पानी। जब चीनी घोल देते हैं पानी के अंदर में तो फिर साफ हो जाता है ना बिल्कुल, अब बहुत ज्यादा नहीं घोल देना और गंदी वाली चीनी मत खरीद के लाना, हाँ, या थोड़ा सा नमक, बढ़िया नमक घोल देते हैं तो घुलने के बाद तो बिल्कुल साफ हो जाता है ना। जो घुला हुआ है वो तो अंदर है, उसको पानी के अंदर घूम रहा है, वो तो दिखाई नहीं पड़ेगा, वो अच्छे से घुल गया है। ये ऊपर में जो वाइट वाइट दिख रहा था, हाँ, हवा में जो थोड़ी सी CO2 होती है ना हवा में थोड़ी सी, और ये खुला पड़ा था तो हवा उसके ऊपर पड़ रही थी ना, जो पानी खुला पड़ा था ढक्के नहीं रखा था उस पर हवा पड़ रही थी ना, और उस हवा में CO2 था ना, तो वो हवा ने जो उसके साथ जहाँ वो सटी उस कार्बन डाइऑक्साइड ने उसको वो वाइट वाइट बना दिया, ठीक। हाँ देखिए, तो फूकिए, देखो अभी साफ है, दिख रहा है आपको पानी, चूना पानी है ना। अब इसमें फूकिए, सांस निकालिए मुँह से, हाओ, देखो 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 देखो, हो गया ना, हाँ
पीछे बढ़ा दो, पीछे बढ़ा दो। तो सभी लोग कार्बन डाइऑक्साइड अपनी सांस के अंदर में निकालते हो, लेकिन साथ में केवल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकालते हो, लेकिन जितना कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हो वही काफी है। ऐसे नहीं मिली। स्ट्रॉ की क्या जरूरत है ना? चेतना मैडम पूछ रही हैं कि बिना स्ट्रॉ के क्यों नहीं होता, स्ट्रॉ की क्या जरूरत है? बाहर की हवा से क्रिया कर लेती है, उस पूरे पानी के अंदर तक नहीं पहुंचती है। हम ऊपर से फूकेंगे ना तो केवल ऊपर वाली सतह पर ही टकरा करके वापस चली जाएगी, वो अंदर तक नहीं पहुंचती है। हाँ, जब हम स्ट्रॉ से फूकते हैं तो अंदर से बबल बबल होकर के कार्बन डाइऑक्साइड आती है, तो उसको पानी के साथ ज़्यादा समय मिलता है काम करने के लिए, है ना? ठीक है, चलो देखो भैया पूछो जरा कोल्ड ड्रिंक क्यों लाए। अरे अच्छा, कोल्ड ड्रिंक हम लोग पीते हैं ना, एकदम से डकार आती है। अच्छा अच्छा लगता है। ओपन करेंगे तो क्या होगा? ऊपर आती है, ऊपर आती है। हम लोग एक काम क्या करेंगे, अभी अभी उन्होंने बॉटल में सुई लगाई थी ना, हम लोग कोल्ड ड्रिंक की बोतल में सुई लगाएंगे। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा पूरे सीरीज को, आप ध्यान देखिएगा क्या हो रहा है। भैया आप कहाँ जा रहे हो? पकड़ने होल्ड करना क्या? उसका नहीं, होल्ड करने का सर एकदम से गैस निकलेगी ना। हाँ, बोतल पकड़ना, क्या करना है? नहीं, बोतल नहीं, बाद में पकड़ना पड़ेगा। अच्छा, आप इसके पूरे बैरल को देखिएगा क्या हो रहा है। ठीक है, कहाँ पे लगाए, ऊपर लगाए या नीचे? नीचे। ऊपर। ऊपर। आप देख रहे हैं, आप इसकी स्पीड को देख रहे हैं। क्या हो रहा है? क्या गया इसके अंदर? CO2। दिख रहा है CO2? नहीं। क्या करें टेस्ट करने के लिए? अभी हम लोग क्या कर रहे थे? पानी मिला दे रहे, मिला दे चूने के पानी में मिलाना ना। अच्छा, उसमें है भाई, क्लियर है? क्या था इसमें? पक्का हो गया ना?
तो अपने जो कोल्ड ड्रिंक होते हैं उसके ऊपर जो जगह होती है बनी हुई, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके अंदर, है ना? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होती है, और कोल्ड ड्रिंक में क्या होती है? तो कोल्ड ड्रिंक हमारे स्वास्थ्य के लिए, इसलिए हमें, मैंने कुछ नहीं बोला, जो बोला इन्हीं लोगों ने बोला। हाँ।